जी हाँ, निमृत और उनके पापा की बहस यानी कि जो कॉन्वर्जेशन थी वो सुनने के बाद आखिरकार क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है जनता का, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। आपको बताना चाहूंगी कि निमृत के पापा कलेक्टर की है और वो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ वेंटिंग की है। उन्होंने प्रियंका को भी अप्रिशिएट किया, प्रियंका को भी बोला, और वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रियंका और निमृत के बीच में चीजें घर के अंदर ही सॉर्ट हो जाए, ये बाहर कंटिन्यू ना रहे। और वो समझाते हैं पर निमृत बोलते हैं कि नहीं, साजिद भी बोलते हैं कि नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, स्ट्रांग है आपकी बेटी, ये वो। फिर प्रियंका जो है वो कहती है कि स्ट्रांग है, तगड़ी है बंदी, तो कॉम्पिटिटर मानती हूँ मैं। लेकिन जो निमृत हो कहीं ना कहीं अपने पापा की बात सुनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब आपको बता दें, जो प्रोमो आया है, प्रोमो में बात कर रहे हैं निमृत के पापा, बोलते हैं कि तुम फ्रेंड में रह के गुम मत हो जाओ। और ये जो साजिद जी कह रहे हैं, आप साइड मंडली जो कर रहे हो, फ्रिक्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये बात होती है तब भी निमृत बोलते हैं, अरे पापा आप क्या मतलब, आप समझते नहीं हो, आप हमेशा दूसरों के बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, लेकिन आप हमेशा मेरे को वो करते हो, पीछे खींचते हो, ये करते हो। और कहीं ना कहीं आप लोगों की एक एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन पूरी होनी चाहिए और बच्चों का कुछ नहीं, इस तरीके से वो बात करती हुई नजर आती है। और ये जिस तरीके से बात कर रही है और रो रही है, लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। जी आपको बता दूं कि निमृत की कोई वैल्यू नहीं है बीबी में, सिर्फ कलर्स का फेस है इसीलिए। एंड मेरे एक का कहना है कि अपने पापा की बात नहीं सुन रहे, अपने पापा की बात सुनो, वो आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं। और बोल रहे प्लीज निमृत, प्लीज लिसन टू योर डैड। जो निमृत के फैंस भी है ना, वो भी यही कह रहे हैं कि अपने पापा की बात सुनो, आप अकेले खेलो, आपका अकेले खेलना आपके लिए ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो नहीं समझ पा रही है और लोगों का कहना है कि यही है, अकेले खेल नहीं सकती इसीलिए ऐसा है, रोने लगती है। उसके पापा सही बोल रहे हैं। और साजिद कहीं ना कहीं, साजिद भी कहते हैं कि मौका आने पर निमृत धोखा देगी। फिर निमृत की तो आदत है झूठे आंसू बहाना, निमृत की बस की नहीं है अकेले खेलना, बी स्ट्रॉन्ग निमृत, कुछ लोग मोटिवेट कर रहे हैं। निमृत को अपने पापा की बात सुननी चाहिए, बिल्कुल सही तो बोला है अंकल ने। फिर निमृत इज लुकिंग लाइक, टू बी ऑनेस्ट ही वॉज गिविंग हर सम डिसेंट एडवाइस। फिर अरे यार निमृत क्यों नहीं सुन रही है अपने पापा की, वो सुम्बुल 2.0 क्यों बन रही है। तो ये जो लोगों का रिएक्शन है सामने आया है और लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से निमृत और उनके पापा के बीच में जो कॉन्वर्जेशन हुई है, आपको क्या कहना है हमें बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके। और देखते रहिए फीफा फोर्स इसी तरीके के अपडेट्स के लिए।